है। मुझे लगता है कुछ चीजें हमारी जो डिस्कशन की थी वो रह गई, या मुझे लगता है वीडियो जो है वो पॉज हो चुका था, या नेटवर्क फेल्योर की वजह से मुझे लगता है मेरा वीडियो प्रॉपर सॉरी 1 मिनट। प्लीज रिप्लाई, तो प्लीज कोई कमेंट दीजिए कि ताकि मुझे भी लगे कि मेरा प्रयास सही है। कोई कमेंट भी चलेगा मुझे, ज्यादा डिटेल तो नहीं, फेसबुक काफी जमाने, काफी सारे आइडियाज नहीं है मुझे, सॉरी। आजकल कोरोना की वजह से भी इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोड्स बढ़ते गए हैं, और इस वजह से जो है नेटवर्क फेल्योर की जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है मेरा वीडियो भी या क्लास जो ऑनलाइन क्लास है इसका असर देखने को मिल रहा है उस पर, सॉरी। मैं कोई और सोल्यूशन करता हूँ फिलहाल, जो मेरा क्लास है अब जो है यहाँ पे मुझे आर्कियोलॉजिकल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लिटरेरी में मुझे ये रिलीजियस में आप जिस क्लास को इंडियन कंटेक्स में देखो तो वेदास, पुराणाज, स्मृति, सॉरी, और नन कुरान या बाइबल्स, इसको भी देखा जाए तो रिलीजियस में डाल सकते हो। कुरान तो रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस नॉवेल्स है उस पीरियड का, क्योंकि तो कोई भी टेक्स्ट दिल पॉइंट्स होता है वही होता है, और उसके सराउंडिंग जो है कोई ना कोई घटनाएं को या कोई ना कोई बातों को लिखा जाता है। जैसे आप देखोगे, अगर मैं बात करूं एक फेमस कालिदास, टेक्स्ट में आप देखोगे कि कालिदास का जो टाइम एरा है वो कहा जाता है गुप्ता पीरियड जो है ना, गुप्तास, हमारे इंडियन डायनेस्टी, इंडियन हिस्ट्री में गुप्तास का एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर, अब जो नेक्स्ट है ये फॉरेन व्यूज, भी आप देखोगे कि इसमें भी ये फॉरेन होते कौन है, ये सॉरी ये फॉरेन व्यूज क्या होते हैं, इसका कैसे एविडेंस के रूप में के लिए इनका, तो आप कहीं ना कहीं चैप्टर जो 5th है इंडिया से बाहर या इंडियंस या आउटसाइड गए हैं, अब ये जो है जहां जाते हैं अनफैमिलियर या अननोन जगह पे जाते हैं, तो उनके लिए जो भी चीजें जिसे वो फैमिलियर नहीं है, जैसे मैं इससे पहले मैं था तो वहां पे जहां कभी बड़ी उत्सुकता के साथ शुरू शुरू मुझे बहुत अच्छा लगता था, देखता था मैं कि कैसे प्लेन टेक ऑफ और लैंड करती है, लेकिन ओरल टेस्टामोनीज या ओरल सोर्सेस कि जब आप
क्लास 12th में बार बार एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी इतना बेहतर तरीके से लिखा गया है। आप देखो कि एनसीईआरटी की बहुत सारी बातें सोर्स को समझाते हुए लिखी गई हैं, ठीक है। खासकर क्लास 11th भी देख सकते हो या क्लास 12th देखोगे, जब भी आप टेक्स्ट या चैप्टर स्टार्ट करोगे कम्युनिटी के लिए, खासकर हमारे ट्राइबल सोसाइटी कुछ ऐसे हैं जिनके पास आज से बहुतों साल पहले उनके पास अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं था, तो वो अपने नॉलेज या स्किल जनरेशन को जनरेशन। अगर हमें एज ए हिस्टोरियंस है, फोक डांस है, उसके थ्रू मैं ज्यादा डिटेल दे सकता बेहतर, साथ में हट कर दें या उसकी भावनाओं को हम चोट पहुंचा दें। तो हमें अगर ओरल सोर्सेस का यूज करना है एक पास बेहतर पास को जानने के लिए या एक पास की जानकारी को निकालने के लिए, तो हमें अपने में सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। या यूं कहूं कि हर सोर्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको दूसरे सोर्सों से भी या उसको दूसरे सोर्सों से कंपेयर करके उससे चीजों की सत्यता या इतिहास की एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जैसे आप बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखोगे, उसमें बहुत सारे हो गई है, बहुत सारे एक अगर फोकस करें तो शायद हो सकता है कि हमने वे चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया। यही क्लास 12th में, यानी कि थीमेटिक हमारा या हिस्ट्री क्या मैं ये कहूँ टेक्स्ट बुक है क्लास 11। देखो जरा वीडियो पॉज हो गया। तो हमारा जो 11th और 12th की जो हिस्ट्री लिखी गई है वो थीमेटिक हिस्ट्री है, और थीमेटिक में एक एक किसी एक थीम को लिया गया है, टेंशन को आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेचर, वहां पे आप कहीं आप दोनों के बीच का रास्ता अपना सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं कि एक एक ने कह दिया कि बहुत बड़ा महल था, राजमहल था, ऐसी चीजें थी वैसी चीजें थी, लेकिन फिजिकली वो चीजें प्रेजेंस नहीं दिख रहा आपको, वहां पे उस जगह पे नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे टेक्स्ट जो है वो आर्कियोलॉजिकल से टैली नहीं करता, यानी कि अब यहाँ पे आपको एक बेहतर डिसीजन लेने होगी, और यहाँ वो कैसे करना। तो आप देख सकते हैं थीम्स इन टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 11th, ये दोनों किसके थ्रू लिखी गई के थ्रू, और एनसीईआरटी जो है हमारे स्कूलों में 1 मार्क्स है या 1 वर्ड है, ठीक है। तो अब ये इसमें अब ये तो आपको मैं ये कहूँ कि आपको गहराई से किताब को पढ़ना होगा, कोई भी टेक्स्ट जो आप उठा रहे हो उसमें आप ऐसे नहीं कि बस सरसरी निगाह से देख लिए बस हो गया समझ में आया बाजी मार देंगे, नहीं, आपको किताब पढ़ने से 10 बार पढ़ा जाए। ये मेरे भी गुरु ने या मेरे टीचर ने ये बात मुझसे कही, मैं आपसे भी ये बात शेयर करता हूँ, पढ़ा जाए। और मैं ये कहूँ कि आप अपने लिए एनसीईआरटी को बाइबल मान लीजिए या ग्रंथ मानते हैं, या जो एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को अपना मेन, सॉरी दोस्तों मुझे लग रहा है तो ट्रक प्रॉब्लम की वजह से मुझे फिर से कुछ चीजों को दोहरा देने चाहिए आपके सामने। मैं ये सॉरी एक बार देख लूं मैं।
साल के एग्जाम में आपने देखा बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई ने किया कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें एमसीक्यू डाल दिया, वन वर्ड्स डाल दिए, पिक्चर्स डाल दिया कि आप आइडेंटिफाई करो कौन से पिक्चर्स है, किस जगह का या कौन से पर्सनालिटी। तो इस तरह के चीज़ों में क्या है कि आप टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ना होगा। टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ने से फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ जो आपकी निगाह के सामने से एक बार गुजरेगा और आपको गुजारना जो है किताब में जो भी चीज़ें हैं आपके निगाह के सामने ज़रूर आना चाहिए। और मैं फिर एक बात कर दूँ, शायद आपने सुना होगा, ठीक है नहीं सुना होगा तो मैं अपने तो मुझे लगता है वीडियो पॉज होने के बाद तो बहुत अच्छा है। देखते हैं क्लास 11th की हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से पहले, यानी कि जो मॉडर्न एरा कहते हो कि लाखों आपको हर चीज को कब कौन है, लाख से लेके देखा जाए तो उतने पेजेस भी नहीं, लाख पेज आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, ठीक है, हजार भी नहीं, 200-150 के आसपास